दर्शकों आप सभी का सिटी मैप पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की बड़ी खबर के साथ। भारत बंद भाकियों ने 5 जगहों पर किया चक्का जाम। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया। सोमवार को सुबह से ही किसान 5 जगहों पर जुटना शुरू हो गए थे। किसानों ने अम्बाला रोड के शाहजहापुर, देहरादून हाईवे के हरोड़ा, नागल के टपरी मार्ग व ननौता के तीतरो रोड व रामपुर के दिल्ली रोड पर किसानों ने चक्का जाम किया। नागल में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर टपरी मार्ग को बंद कर दिया। किसानों ने गागलडी टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर लिया। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सैयद माजरा के पास स्थित टोल को ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। किसानों के प्रदर्शन के चलते सभी जगह पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ गांव मोरा का सुमित। थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव मोरा निवासी 27 वर्षीय सुमित कुमार पुत्र ओमपाल सिंह के चाचा देशपाल सिंह ने बताया कि सुमित रविवार की शाम घर से खेतों में जाने के लिए कहकर निकला था, लेकिन वहां खेतों के निकट से होकर जा रही लिंक नहर पटरी के रास्ते पर संदिग्ध परिस्थितियों में गुम हो गया। परिजनों ने युवक की काफी तलाश की, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पीड़ित परिजनों ने युवक की गुमशुदगी बड़गांव थाने में दर्ज कराई है। रामपुर मनिहारन में अखिल भारतीय गुर्जर विधा प्राचारिणी सभा के होने वाले चुनाव में 3 अध्यक्ष पद व 3 मंत्री पद के नामांकन पत्र दाखिल किए गए। चुनाव को लेकर गुर्जर समाज में राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि सभी दावेदार प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। 5 साल में सभा का चुनाव होता है, जिसमें हमेशा 2 गुटों के बीच चुनाव होता है, लेकिन इस बार पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज चौधरी ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। उनके ताल ठोकते ही चुनाव की सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं। नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष देवराज सिंह व उनके मंत्री के रूप में नुपेंद्र सिंह, महिपाल माजरा गुट के ऋषिपाल सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए व मंत्री पद के लिए शेर सिंह ने व तीसरे गुट के लिए विधायक पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए व शिवराज सिंह ने मंत्री पद के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं शीशपाल सिंह ने भी मंत्री पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। राजकीय महाविद्यालय में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। सोमवार को आज नगर के राजकीय महाविद्यालय में रासेयो के दोनों कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर इंदु, डॉक्टर कुलदीप सिंह, रोवर्स प्रभारी डॉक्टर अजय बिंद, कार्यवाहक प्राचार्य योगेंद्र कुमार की उपस्थिति में फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें रासेयो की दोनों इकाइयों के स्वयंसेवक व स्वयंसेविकाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। लगभग 5 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का शुभारंभ महाविद्यालय प्रांगण से शुरू होकर नगर के संजय चौक से होते हुए सहारनपुर रोड से होकर वापस महाविद्यालय प्रांगण के क्रीड़ा स्थल तक पहुंचे। सीबीएसई की परीक्षा होगी अब 2 टर्म में। सीबीएसई की ओर से इस वर्ष सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसकी परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जाएगी। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर दिसंबर में बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ होगी, जिसमें केस आधारित एमसीक्यू और अभिकथन तर्क पर एमसीक्यू शामिल है। ये परीक्षा 90 मिनट की होगी। वहीं दूसरे टर्म में केस आधारित स्थिति आधारित ओपन एंडेड प्रश्नों के साथ साथ लघु और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर 2 घंटे का होगा। इसके अलावा यदि मार्च में कोविड-19 की स्थिति बनी तो दूसरे टर्म की परीक्षा भी 90 मिनट की होगी। कच्चा मकान गिरा, परिजन बाल बाल बचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव ककराला में पप्पू कुमार अपनी बहन विधवा मुनेश व बच्चों के साथ कच्ची मिट्टी से निर्मित मकान में रह रहे थे। परिजन बाहर आंगन में लेटे हुए थे। रात्रि 2 बजे के करीब मकान भर भरा के नीचे गिर पड़ा। पप्पू कुमार के बच्चे सोनम ऋतिक व 90 वर्षीय वृद्धा दर्शना देवी मकान के बराबर में सो रहे थे, जिसमें सभी बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे जांच पड़ताल करने के बाद प्रधान संजीव कुमार ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके मकान की फाइल बनाकर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेज दी जाएगी और जल्द ही आपका पक्का मकान बन जाएगा। रामपुर मनिहारन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के पूर्व मंडल महासचिव चौधरी जगपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली रोड स्थित शहरी पुलिया पर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। इस दौरान चौधरी जगपाल सिंह ने कहा कि देश का किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है। इसका समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। धरने को शेरपाल राणा, प्रदीप चौधरी, पुण्य चौधरी आदि ने संबोधित किया। बाद में अपनी मांगों को लेकर देश के पीएम
नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार नितिन सिंह राजपूत व सीओ नकुड़ अरविंद सिंह पुंडीर को सौंपा। इस दौरान शेरपाल राणा, प्रदीप चौधरी, पुनीत चौधरी, शेखपाल प्रधान आदि मौजूद रहे। रामपुर मनिहारन में दो दिन पूर्व सभासद पर हुए हमले, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने को लेकर सीओ से मिले सभासद। आपको बता दें कि शनिवार देर रात अपनी नर्सरी में काम कर लौट रहे सभासद बाबर को उसके ही मोहल्ले के रहने वाले एक परिवार ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडो व सरियों से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसका अब अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पीड़ित के भाई ने कोतवाली में 6 लोगों के नाम दर्ज कर वह 2-3 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी क्रम में आज सोमवार को सभासद मंसूर कुरैशी के नेतृत्व में सभासद नदीम अहमद, तैयब मंसूरी, अमित सैनी, छोटू, संदीप सैनी आदि सभासद कोतवाली पहुंचे और सीओ नकुड़ अरविंद सिंह पुंजीर से मिलकर अपने साथी सभासद पर हमला करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने व सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश शामली जिले में अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य व प्रखर वक्ता मयंक शर्मा भारती मौजूद रहे। वहां पर उन्होंने सरकार की आपकी स्वार्थ और भाईचारे के खिलाफ की नीति को जमकर कोसा। उन्होंने बढ़ते डीजल व पेट्रोल, बेरोजगार युवा भर्ती व गैस की बढ़ती कीमत, महंगी बिजली, महिला सुरक्षा आदि अहम मुद्दों को लेकर सभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2014 में ये नारा दिया था कि बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन वर्तमान में मोदी देश विरोधी होते जा रहे हैं। चाहे देश का किसान हो, युवा हो, अपने आप को वर्तमान सरकार में थका हुआ महसूस कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा। जिस पर वहां के लोगों ने 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ मिलकर सत्ता के गद्दारों को सबक सिखाने का काम करने की बात कही। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैब को, और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।